हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड फन में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल का डोसा, बहुत ही टेस्टी एंड यमी। और ये वेट लॉस डोसा है, बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला, ये देखिए। और इसके अंदर स्टफिंग है पनीर की, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड फन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेट लॉस रेसिपी मूंग दाल की। ये देखिए, हमें मूंग दाल ले लेनी है सोख की हुई, ये एक से दो घंटे हो गए भिगाए हुए। वैसे मूंग दाल वो जल्दी भीग जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, साफ करके वॉश कर लीजिए। और इसके लिए हमें चाहिए पनीर, और थोड़ा सा हमें चाहिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और चाहिए 3 से 4 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया की डंडियाँ। देखिए चलिए बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत कम लगते हैं और बहुत ही यमी एंड टेस्टी है। चलिए बनाते हैं। एक मिक्सी जार में हमको अपनी सारी ये दालें डाल लेनी है। देखिए और साथ में हमें डालना है इसमें लहसुन और हरी मिर्ची। ये देखिए, और हरी धनिया की डंडियाँ भी डालनी है हमें, और हमें थोड़ा सा इसमें डालना है पानी। एक इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा बनके तैयार हो गया। इस स्टेज में बस इतना ही पीसना है हमें, ज़्यादा नहीं पीसना है। अब इसे एक हमें बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार है। और इसमें अब हमें डालना है थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच, और 1 पिंच हल्दी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन सबको डाल के हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। और ये जो हमने स्टफिंग के लिए पनीर रखा है, इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक और हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया, और थोड़ा सा डलेगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और अब मैंने हाथ से मिला लेना है। इसकी अच्छी स्टफिंग हो गई। ये मूंग दाल वेट लॉस डोसा है, तो बहुत ही टेस्टी और जल्दी से झटपट बन जाने वाला, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर चाहें आप इसमें बेकिंग सोडे का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगी, मुझे पसंद नहीं है बेकिंग सोडा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी डोसा है ये। ये देखिए, वो भी वेट लॉस और झटपट से बन जाने वाला। ये देखिए, ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है, इतना पतला और ना ज़्यादा पतला रखना है, इस तरह रखना है। और अब हमें इसे हल्की आंच पे पकने देना है। चलिए जब तक हो रहा है, और आप देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है इसकी डोसे की। ये देखिए धीमी आंच पे इतना अच्छा से पक रहा है ये। और दोस्तों अब हमें इसको थोड़ा सा कवर करके रखना है, थोड़ा सा अच्छा पकता है स्टीम में। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया ये हमारा, अब हमें इसको पलट देना है। ये देखिए दोस्तों, अब स्टफिंग भरने को हमारी तैयार है। इसमें इसमें डालें थोड़ी सा, हल्का सा फैला लें। और अब हमें इस तरह इसको कवर कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए हमारा कितना टेस्टी क्रिस्पी यमी बन के तैयार है। इस तरह हमें दूसरा भी ऐसे सेक लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा डोसा बन के तैयार है, टेस्टी एंड यमी। हमें ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया ये, बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी। ये देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया दोस्तों, जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए, सो यमी।